तनु है, इनका सेकंड जॉब है, तो पहले एमटीएस में सेलेक्ट हुई। और इन सब में पंकज सर का बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरा इंग्लिश ना बहुत ज़्यादा ख़राब था, मतलब कि आप समझिए कि उसी की वजह से मेरा रुक जा रहा था। और जब हम CHSL दिए तो मेरा 50 out of 50 आया। हमारा भी ये सौभाग्य है, एक क्लास का भी सौभाग्य है कि पेरेंट्स आए हैं यहाँ पे क्लास। पहले MTS में हुआ था, हमको तो इससे ज़्यादा खुशी हमको हो रहा है। सच कर दी, आज लग रहा है हमको ही जॉब लग गया है। टेस्ट में अक्सर देखे होंगे रैंक 1 और रैंक 2 तन्नू का और साथ ही साथ उन्नून का। हाँ तो सेट बंद कर लीजिए, गलती हो जाएगा, ठीक है। और देखिए हमारे जो प्रिय स्टूडेंट हैं उनकी मम्मी आ रही है, उनका भयंकर तालियों से स्वागत होना चाहिए। देखेंगे, ठीक है। हाँ तन्नू आप मम्मी आ माता श्री हैं तन्नु और वो गुनगुन है, शायद इससे परिचित हो गए होंगे। थोड़ा सा इधर आ जाए तन्नु और गुनगुन, इधर थोड़ा सा टेस्ट में। हाँ बैठ जाइए। टेस्ट में अक्सर देखे होंगे रैंक 1 और रैंक 2 तन्नु का और साथ ही साथ गुनगुन का। एक हमारा भी ये सौभाग्य है, एक क्लास का भी सौभाग्य है कि एक पेरेंट्स आए हैं यहाँ पे क्लास में। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई बोलते हैं कि सर आप सब मिलना चाहते हैं, मेरी जो बच्ची है बहुत आपका नाम लेती है, और एक भी क्लास स्किप नहीं करा इन्होंने। और बाकी सारी चीज़ें जो है बात करेंगे। तन्नू है, इनका ये सेकंड जॉब है, उससे पहले MTS में सेलेक्ट हुई, तो उसको तो अब ज्वाइन नहीं करेगी। उसके बाद CHSL में कल ही मेरिट आया था, जैसा कि मैं अपलोड फेसबुक पे शेयर भी करा है और व्हाट्सअप पे। सबसे पहले तन्नू का कॉल आया, उसके बाद कॉल आया था बैंक टेस्ट का, उसके बाद सोनू का, और उसके बाद शायद तो शुभम का भी हो गया। हाँ शुभम का हुआ। तो LDC में थोड़ा सा वैकेंसीज कम होता है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है। CGL में ज़्यादा हुआ, तो MTS में ज़्यादा हुआ। और वो गुनगुन है, वास्तव में जो तन्नू थी कैसे पढ़ने के लिए यहाँ पे आई, क्या नहीं है क्या है, वो हम पूछना चाहेंगे इन्हीं से। और थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुनिएगा, इरिटेट ना होइएगा। कुछ कुछ खास स्टूडेंट होते हैं, उन्हीं से हम इस प्रकार से मिलना चाहते हैं। नहीं तो ऐसे तो कई स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं जो आते हैं मिलकर चले जाते हैं। एक अपना शौक था माता श्री का कि हम भी चलेंगे मिलने साथ में और क्लास में आएंगे, तो हमारा लगा कि चलो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकता है। तो हम थोड़ा सा माता श्री से भी कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, क्या इनका सपोर्ट रहा, क्या रोल रहा, क्या इनका पॉजिटिव पॉइंट है, क्या इनका क्वालिटी है। और एक पेरेंट्स को, एक माता को जो सबसे बड़ा बैक सपोर्ट होता है किसी भी बच्चे के लिए, वो क्या करना चाहिए, क्या सुझाव है, क्या विचार है, पेरेंट्स के लिए क्या सजेशन होगा, क्या इनका एडवाइस होगा, वो भी हम इनसे पूछना चाहेंगे। और गुन्नू है, इनका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है वो भी जानना चाहेंगे। वो तो नहीं आ रही थी कि हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन इनका भी लेवल बहुत अच्छा है। मैं इन लोगों को फोर्स कर रहा हूँ, आप लोग जब तक ये ज्वाइन नहीं करेंगे तब तक सेट में आकर करिए। थोड़ा सा दूर से आते हैं आज़ाद पार्क, आज़ाद पार्क एग्जैक्टली, तो वहाँ से तो थोड़ा सा इन लोग के लिए चैलेंजेस है। तो तन्नू आपका सिलेक्शन हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा MTS में, उसके बाद CHSL में। और इनका ड्रीम जॉब है CGL, अभी ये ग्रेजुएट नहीं हुई है। 1922 का इनका सेशन है, जिस कारण से अभी नहीं है। लेवल इनका बहुत अच्छा है, इन्हीं के कंपनी में थे वो रोशन, रानी, प्रेरणा, अमीश और श्रेया जो आज नहीं आई हैं, और अविनाश जो आया था CGL वाला सामने एक बैच में, अविनाश को आप मिले होंगे वो, और ये तन्नु अभी अंडर ग्रेजुएट हैं, जिस कारण से इनका CGL नहीं हो रहा है, लेकिन फर्स्ट अटेम्प में इनका भी CGL हो जाएगा। तो आपको मेरे तरफ से मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। आप लोग को भी कुछ उस प्रकार से तनु थोड़ा से आप लोग को भी कुछ उस प्रकार से क्वेश्चन पूछने होंगे, खास करके कुछ गर्ल्स लोग, मन में बहुत तरह का बात चलते रहता है, बहुत दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी अगर इम्प्रूवमेंट ना हो रहा है और थोड़ा सा बातचीत करना चाहेंगे, डेली तो सेट चलता ही है, तो कुछ आप क्वेश्चन कर सकते हैं तनु। आप कुछ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका MTS जॉब है और ये आपका सेकंड जॉब CHSL है, जॉब के बाद कैसा फील कर रहे हैं? आपके साथ माता श्री भी सर, बिल्कुल अलग फील हो रहा है क्योंकि अब तक बस तैयारी ही करते थे, अब अचानक से रिजल्ट हुआ रातों रात। अब तो SSC इतना फास्ट हो गया कि बहुत जल्दी रिजल्ट भी देने लगा, वेट भी नहीं करना पड़ा उतना, मतलब पूरा सब कुछ बदल गया। अब अच्छा लगता है कि कुछ करने के लायक हो चुके हैं, अपने मम्मी पापा को प्राउड फील करा सकते हैं। और
वैसे तो मेन टारगेट सीजीएल है, लेकिन अभी एमटीएस और सीएचएसएल से ही बहुत खुशी मिल रही है। और इन सब में पंकज सर का बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरा इंग्लिश ना बहुत ज़्यादा ख़राब था, मतलब कि आप समझिए कि उसी की वजह से मेरा रुक जा रहा था। और जब हम सीएचएसएल दिए तो मेरा 50 out of 50 आया इंग्लिश में, सर की वजह से आया। एक तनु ये चीज है कि कितने शुल्क लेके आपका कल रिजल्ट आया, मम्मी पापा का आपसे किस प्रकार का एक्सपेक्टेशन था और वो आपसे खुश हैं कि नहीं? सर मम्मा और एक दूर जाने का एक जो गम है सर वो तो बहुत ज्यादा दुख है, क्योंकि हम कभी अपनी मम्मी को छोड़ के एक दिन के लिए भी नहीं गए तो वो तो हम सोच ही नहीं रहे कि अभी जाना है, अभी तो टाइम है। क्योंकि लेकिन खुशी भी है क्योंकि 3 से 4 महीने के बाद आप ज्वाइन करेंगे। यस सर, ठीक है, बहुत अच्छी चीज है। और आप गुनगुन का परफॉर्मेंस से क्या कहना चाहेंगे? सर गुनगुन का भी परफॉर्मेंस अच्छा है, हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसका इस साल हो जाएगा। अच्छा कुछ तन्नु एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे, तो कौन सा क्वालिटी है, कौन सा चीज है जो आपको और भी गर्ल्स या स्टूडेंट से अलग करता है? कुछ ऐसा चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करता है या जो सर हम मेरा एक आदत है ना कि हम प्रेशर नहीं लेते। अगर मेरे से कुछ चीज नहीं बन रहा है या कुछ चीज नहीं सॉल्व हो रहा है ना, तो हम प्रेशर नहीं लेते, सोचते हैं करना तो हम ही को है, चाहे अभी करे चाहे बाद में, थोड़ा ब्रेक ले लिया कर लिया, लेकिन करते हैं। मतलब कि टेंशन नहीं लेते हैं ज्यादा कि ये चीज, मान लीजिए हम क्वेश्चन सॉल्व करें एक सेट पूरा नहीं हुआ तो टेंशन नहीं लेते थे कि ये नहीं हो रहा है, सोचते थे करना तो है, खुद को खुद से इनकरेज करते थे। और बाद में टाइम लेके कुछ खा पी के कुछ मतलब घूम टहल के वापस आ जाते थे और फिर अच्छे मन से करते थे। कभी भी हम डिमोटिवेट खुद को नहीं होते, हम कभी भी किसी को डिमोटिवेट करते भी नहीं है। मेरा एक ही चीज़ है कि हम बस पॉजिटिव सोचते हैं और पॉजिटिव आसपास को लोगों को रखते हैं। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं वो बहुत बिगनर है, एकदम स्टार्टिंग। इन लोग का एक हमको लगता है कि ये इन लोग का सोच होगा कि बहुत सारे लोग इसमें सीनियर हैं जिनका मार्क्स 170-160 आता है। yes, sir. और किसी किसी का भाई का बहन का स्कोर 180 आ रहा है, 70 yes, आ रहा है, 90 आ रहा है। आपने भी जब स्टार्ट करा तो आपके भी ग्रुप में धाकर लोग थे जिनका स्कोर 150-160 आ रहा था और आपका केवल 80-90 आ रहा था। वो सब प्रेशर को कैसे झेला आपने? सर पहले तो हम सोचते थे कि कुछ टाइम तो लगेगा, ऐसा थोड़ी एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, इसलिए पहले हम धीरे धीरे मेहनत की है। कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आप अगर डेली पर सब्जेक्ट थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे ना तो आपका 6 मंथ के विदिन आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ऑफकोर्स हो ही जाएगा। और पंकज सर के हम कोचिंग जब करते थे तो हर संडे को टेस्ट भी आते थे, कभी भी एबसेंट नहीं करते थे, क्योंकि टेस्ट के में हम लोगों को बहुत सारा कुछ सीखने के लिए मिलता है। और सर बहुत अच्छे से तैयारी भी कराते हैं। फिर हम यहाँ एक दो बार मैथ टेस्ट करवाए थे तो हाँ, वो भी दिए थे। तो तन्नु में एक चीज था कि जब मेरे पास इन्होंने बैच ज्वाइन करा तो पहले से ग्रुप में प्रैक्टिस कर रहे थे मिसलेनियस, तो इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। देखिएगा तन्नु को सारे स्टूडेंट्स के ग्रुप में औरों से अलग ये बताता है, बनाता है। कभी भी इन लोग में उस प्रकार का एटीट्यूड नहीं रहा, एकदम डाउन टू अर्थ, जितना जानते हैं जेन्यून चीजें दिखाने का कोशिश, कभी दिखावा नहीं कि सर हम बहुत ज्यादा जानते हैं। उन्होंने हमेशा से एक्सेप्ट करा कि नहीं सर मुझ में बहुत कमी है और सीखने का भूख रहा। एक तनु का मैं बता रहा हूँ अनुभव पीछे का, जब इनको एक बार देखिए वो चीज माता श्री हम इनके सामने बताना चाहते हैं सारे लोगों को। इनको एक बार पूरी जाना था और शायद घर का सबका टिकट हो चुका था। कोई अपने लाइफ में टीचर को इतना ज्यादा वैल्यू कैसे दे सकता है ये सोचने पर मुझे मजबूर होना समय के लिए। इन लोग का पूरी जाना था, एक ट्रिप था घूमने के लिए, फिर भी तन्नु और गुनगुन ने मुझसे पूछा कि सर टिकट करवाएं कि नहीं करवाएं, अब बोलिएगा तो नहीं जाएंगे और नहीं बोलिएगा तो नहीं जाएंगे। तो मुझे लगा कि नहीं आपको जाना चाहिए, फैमिली जा रहे हैं तो आप यहाँ पे अकेले कैसे रहोगे। इन्होंने मुझसे प्रॉमिस करवाया था कि सर जो छूटेगा आप मुझे समझा देंगे, हम तभी जा सकते हैं। मैंने प्रॉमिस करा था, फिर उसके बाद आए, इन्होंने नोट करा, फिर उन लोग हम लोग अलग से समझाएं, हमको सपोर्ट किए, कुछ हमारे टीम मेंबर के लोग सपोर्ट किए, तो बहुत अच्छा रहा। इन्होंने एडमिशन करवाने आया था गुन्नू को, लेकिन पता नहीं कौन सी चीजें था जो खुद का भी एडमिशन करवा लिया फाउंडेशन बैच में शुरू से लेकर। हाँ, क्योंकि हम डेमो लेने मतलब अपनी बहन का डेमो करवाने आए थे तो साथ में आए थे तो सोचे हम भी डेमो करके देख लेते हैं। तो जैसे ही 2 दिन डेमो किए तो हमको लगा कि हम यहाँ से इंग्लिश अपना अच्छा कर सकते हैं। सर का वैसा पढ़ाने का तरीका था कि जिससे, और हुआ भी, मेरा सीएचएसएल में 50 out of 50 आए, जो की अच्छा इसमें ही 50 50। एक बार इनका जो था अस्टेनो उनमें भी इनका बहुत अच्छा इंग्लिश का स्कोर रहा था, ठीक है, मतलब जितना बनाए थे उतना इनका सही था, नेगेटिव नहीं था। तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई स्टूडेंट्स हैं जो बाबू इंग्लिश में 100% स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि जीके और इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन होता है, सब्जेक्ट होता है जहाँ पे 100% स्कोर करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। और सिर्फ इंग्लिश में नहीं, मेरा मैथ्स में भी 50 out of 50 रहा, रीजनिंग में 48 रहा, मैथ भी 50 है और इंग्लिश भी 40।
कट ऑफ तन्नु कितना गया इस बार? आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस? सर हम यूआर से डाले हैं। अच्छा यूआर से, देखिए कट ऑफ कितना था सर? आई थिंक 212 था। 212 आपका स्कोर? 229 सर। 229 सर, मेरा प्री में था 173.5 और डिस्क्रिप्टिव आई थिंक 56। देखिए कट ऑफ कितना गया 212 और इनका स्कोर है 229। देख रहे हैं गैप? मैटर नहीं करता गैप कितना नंबर का है, 17 मार्क्स का, और एक दो नंबर पे पोस्ट मिलता है डियर। जाओ जो जिस पोस्ट की विश करेंगी वो पोस्ट मिलेगा, और जिस टाउन की कामना करेंगी वो टाउन भी इनको मिलेगा। तो बहुत अच्छा इनको स्कोर रहा, इसे बेहतर स्कोर क्या बोल सकते हैं, हाँ और किया जा सकता है, लेकिन गया सिटी में और पूरे इंडिया लेवल पर देखा जाए तो बहुत अच्छा स्कोर है। यस और एक चीज और कहना चाहेंगे कि अपने आसपास जो दोस्त लोग बैठते हैं, ये मत सोचिए कि सरमाने में कुछ पूछिए कि हमको नहीं आता है, हम ये पूछें तो खराब लगे, ऐसा मत सोचिए। आपके अगल बगल वो भी स्टूडेंट है, पूछिए और उनसे सीखिए, तभी आपका आगे होगा। हम कभी नहीं सरमाए किसी से पूछने में या किसी को बताने में, हेल्प भी हमेशा करना चाहिए और हेल्प लेना भी चाहिए। अभी तो स्टूडेंट है, जितना करेंगे अभी अभी कैसा सर, अभी तो हम लोग का लाइफ ही ऐसा है स्ट्रगल वाला फेज, तो कभी शर्माइए नहीं, जितना सीखने को मिले सीखिए। यहाँ तक सर भी तो अच्छा कुछ अच्छा खासा बताते हैं, उनसे भी सीख सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं। बहुत मतलब यहाँ जो सेट एनालिसिस है, मतलब हमको तो लगता है गया में सबसे अच्छा ही चल रहा है, अब बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो थैंक यू, लेकिन ये सब स्टूडेंट का रिव्यू रहेगा कैसा नहीं है। मैं संडे को भी टाइम देने के लिए रेडी हूँ, ये चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज तनु ने कहा कि सीखिए किसी से भी। लोग शर्माते बहुत हैं कि हम इससे पूछेंगे, इससे नहीं पूछेंगे तो लोग क्या समझेंगे, एक कंपनी होना चाहिए। और तनु एक चीज और है कि आपने हमेशा से कंपनी में पढ़ा, 2 साल से लगभग आप ग्रुपिंग कर रहे हैं, साथ में पढ़ रहे हैं 15 स्टूडेंट्स के बीच में, क्या सपोर्ट मिलता है ग्रुप में? कोई बच्चा 5-5, 6-6 का ग्रुप बना ले, और एक ग्रुप बनाने के बाद एक मैथ और इंग्लिश के होमवर्क को, जीएस के होमवर्क को टारगेट करें, तो क्या बेनिफिट है सर? तो जैसे ग्रुप बन जाता है तो जैसे कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं आया तो कुछ क्वेश्चन किसी और को नहीं आया, तो हम लोग एक दूसरे से एक्सचेंज तो कर सकते हैं ना, तो इससे ज्यादा इससे क्या होगा कि उसका भी डाउट सॉल्व हो जाएगा, मेरा भी डाउट सॉल्व हो जाएगा, फिर कुछ दिक्कत नहीं। ग्रुप को मेंटेन कैसे करना है, किस प्रकार के होने चाहिए साथी? पहले तो कोई एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अजीब लगेगा ना फिर पूछने में अगर एटीट्यूड रहेगा। एकदम पोलाइटली बिहेव कीजिए, आप भी थोड़ी कहीं, हम भी नॉर्मल स्टूडेंट है, आप भी नॉर्मल स्टूडेंट है, और कभी सीनियर जूनियर तो सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि सब लोग तो एक ही कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं बस। हाँ ये देखिएगा, कंपनी भी ढूंढने का एक सही होना चाहिए कि आप किसको ग्रुप में रख रहे हैं, किसको नहीं रख रहे हैं। एक बहुत बढ़िया चीज है कि देखिए जिसके पास एटीट्यूड है उसको लगता है कि हम बहुत ज्यादा जानते हैं, तो फिर उसको ग्रुप में रखने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो बहुत अच्छा है इनका इस पर सिलेक्शन हुआ CHSL में और MTS में, हमेशा से बातचीत करते रहते हैं, फिर इनके मम्मा से भी बात होते रहता है, गुन्नू भी बात करती है, और छोटा भाई है वो भी, एक अच्छा रिलेशन बन जाता है बाबू किसी फैमिली के साथ जब किसी का सिलेक्शन होता है। तो हम कुछ गर्ल से जानना चाहेंगे कि कोई क्वेश्चन है और उनको नर्वसनेस लगता है लाइफ में, और कुछ अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं गर्ल्स इंडिविजुअल्स, माइक में भेजवा सकता हूँ, जल्दी बोलिए राजा, माइक दीजिए माइक। कोई गर्ल्स हैं ऐसे इंडिविजुअल्स? कोई बॉयज? हाँ गर्ल्स माइक दीजिए, माइक पे सर। इनको हम जानते हैं, ये मेरे साथ क्लास 12th में पढ़, 11th में पढ़ी है। अच्छा, ये से आज हम मिल रहे हैं डायरेक्ट, ये पूरे बिहार में टॉप की है कॉमर्स सेक्शन, ये सर जानते हैं। ऑल पूरे बिहार में इनका रैंक 1 था, कौन सा ईयर? 2019। तो आपका भी कॉमर्स बैकग्राउंड? नहीं नहीं, मेरा साइंस था, ये साइंस पहले ली थी फिर लगता है कॉमर्स ले ली, हमको नहीं पता था। पंकज जी थोड़ा सीधा से वीडियो, हम इनके साथ साइंस पढ़े हैं इसलिए हमको याद है। अच्छा, इनका भी बहुत अच्छा है। यस सर, शुरू से। हाँ कोमल, एनी क्वेश्चन? कैसे आप देखिए मेरा जीएस ठीक नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी हम कोशिश किए थे CHSL में, लेकिन मेरा 11.5 ही मार्क्स आया जीएस में, तो हमको लग रहा था अगर जीएस खराब हो जाएगा तो बाकी तीनों सब्जेक्ट पे हम फोकस किए, जिसके कारण तीनों मैनेज कर दिया। लेकिन जो जीएस पढ़े थे, कहते हैं ना वेस्ट नहीं होता, वही मेरा जीएस MTS में काम आ गया, और मेरा जीएस में 18.5 मार्क्स आया था MTS में। अच्छा, आउट ऑफ 25? आउट ऑफ 25, हाँ, क्योंकि 100 मार्क्स का था, 25 में 18.5 आया MTS के, क्योंकि CHSL GS जो है ना थोड़ा लक, मोस्टली लक ही हम कहेंगे, तो मेरा CHSL में तो नहीं काम किया, GS जो पढ़ के गए थे लेकिन उसमें काम किया। GS के लिए जितना PYQ रिवीजन कीजिए वही बेटर है।
ब्लैक बुक का जनरल अवेयरनेस का आता है वो कंप्लीट कर लीजिए, वो सफिशिएंट है, उससे ज्यादा आपको करने की कोई दिक्कत नहीं। आपका सीएचएसएल जो 2021 है जिसमें आप सेलेक्ट हुए, इसमें केवल 11.5 मार्क्स। यस सर, 11.5 और उसके बाद हम एमटीएस दी। लेकिन फिर भी देखिए मैथ और इंग्लिश और अगर रीजनिंग अगर तीन सेक्शन अच्छा है और कोई एक सेक्शन अगर आपका वीक है तो आप मेंटेन कर सकते हैं, केवल जीएस में 11.5। लेकिन इसके लिए तीन सब्जेक्ट बहुत अच्छा होना चाहिए। यस सर, ये तन्नू है, रानी, प्रेरणा या रोशन, जितने भी लोग थे, अमी, श्रेया, ये सबका कलम चलता है ना, तो मतलब लगेगा कि नहीं कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो मैथ का कैलकुलेशन होना चाहिए। इवन रीजनिंग का भी बहुत अच्छा स्पीड है और इंग्लिश तो इन्होंने तन्नू सामने कहा कि 25 सही। और इंग्लिश के बारे में ज्यादा हम कुछ बोलना भी नहीं चाहेंगे, नहीं तो लगेगा कि हम अपना तारीफ। और कोई क्वेश्चन कोमल, एनीबॉडी एल्स, कोई बॉयज, कोई है क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बस लगेगा कि चलिए बातचीत हो रहा है, किसी के दिल में कोई क्वेश्चन है। तो इधर से गर्ल्स, कोई क्वेश्चन है, थोड़ा सा माइक उधर मांग, कौन है? नहीं नहीं, हाँ एनी क्वेश्चन, थोड़ा सा माँ जी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा। बोलिए। तन्नु का सिलेक्शन हो गया है, आपको कैसा महसूस हो रहा है कल से? पहले एमटीएस में हुआ था, हमको तो इससे ज्यादा खुशी हमको हो रहा है। हाँ हाँ, वो तो पेरेंट्स का खुशी होना भी चाहिए। कि बचपन से मेरा ख्वाहिश था जॉब करने का, लेकिन हम लोग गांव में रहते थे तो पढ़ाई के प्रति कुछ मेरे पेरेंट्स लोग नहीं किए, तभी हम सोच लिए थे कि मेरा जो बच्चा रहेगा हम उसको खूब मोटिवेट करेंगे और खूब पढ़ाएंगे। आज वो मेरा सपना सच कर दी, आज लग रहा है हमको ही जॉब लग गया है। मैं जानना चाहूंगा आपसे कि तन्नू की ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मतलब सारे स्टूडेंट्स से और भी लड़कियां से इनको अलग करते हैं, जो इनके सिलेक्शन में इनको साथ दिया, इनका क्वालिटी कुछ ऐसा मान लीजिए जो इसका सादगी बहुत सी, एकदम सिंपल रहती है, एकदम सिंपल। हाँ, तन्नू थोड़ा सा है कि एकदम सिंपल, सादगी कम है लेकिन इनमें ज्यादा है। क्लास भी आती थी 8 बजे से, लगता था कि सो कर आ गई, फेस भी नहीं धोती थी, फेस भी नहीं धोती थी और पहुंच जाती थी कोचिंग। हम तनु से हमेशा पूछते हम बोलते थे फेस तो क्यों करती है, तो नहीं सर इसको ऐसे ही पसंद है, लगता था कि मतलब कितना दिन के बाद सो कर आ रही है। तो चीजें था, तो देखिएगा सिंपलिसिटी। आशुतोष, आशुतोष इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आशुतोष जीएसटी है, एकदम डाउन टू अर्थ और सिंपल। जब सिलेक्शन हो जाती है ना तो चार चांद तो लग ही जाते। एक बात और है जो मैं इनके बारे में जानता हूँ, क्योंकि स्टेटस हमेशा दिखते रहता है, हमेशा आप तन्नू गुनगुन के साथ पूरे फैमिली के साथ आप लोग वीक में कहीं जाते हैं, तो है। बहुत अफेक्ट करा। तो ये चीज आपको लगता है कि संडे को जाते हैं, सैटरडे को भी जाते हैं, पार्टी में जाने के बाद बच्चा डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन डिस्टर्ब नहीं होकर पॉजिटिव चीजें निकलता है, इन लोग और एनर्जेटिक हो जाते हैं, ये कैसे? सर मेरे मम्मी पापा है ना बहुत मतलब हमेशा हम लोग को शुरू से घुमाते फिराते आए, मतलब किसी तरह का टेंशन नहीं दिया है, तुमको जितना पढ़ना है पढ़ो, कोई प्रेशर नहीं है। इसी वजह से हम लोग बस पढ़ते गए, मतलब कुछ प्रेशर नहीं था, खुद लगता था कि खुद से कुछ करना है, अभी उन लोगों को निराश नहीं करना। तन्नू है, एक बार मुझे बोली थी, मैं सारी चीजों को यहाँ पे एकदम डायरेक्ट रखना चाह रहा हूँ बिना पूछे कुछ, शायद कुछ चीजें इनको अच्छा ना लगे, कि मैं एक बार इनसे पूछा था कि आप कोई होम ट्यूशन देते हैं या कुछ देते हैं, तो ये ऑनलाइन पढ़ाती हैं, ऑनलाइन कुछ क्लास भी देती थी, शायद उसका कुछ चार्ज भी मिलता था। तन्नू प्लीज के बारे में अगर कुछ बोले तो कुछ लगे कि ऐसे भी कुछ होता है तो। वो सर वो हम ऑनलाइन क्लास लेते थे मतलब अर्निंग के लिए, ऐसे कि मेरा ही ना नॉलेज बढ़ेगा इस टाइप का, तो टीचमेंट वगैरह था तो उसी पे हम क्लास लेते थे। पर डे का कितना हो जाता था? पर मिनट पे वहाँ पे चार्ज किया जाता, पर मिनट 2 रुपीज, जैसे एक 1 आवर पढ़ाए तो 120 रुपीज होता था, तो ऐसे भी ट्यूशन पढ़ाएंगे तो उससे कम ही मिलेगा ना 1 आवर का, तो तो ये चीजें है। और कुछ पैसा है, देखिए तन्नू का द्वारा जो जॉब है उसका कॉन्फिडेंस की, बहुत सारे जो होते हैं पेरेंट्स या कोई भी यहाँ पे पहली बार जब आएंगे तो नहीं बोल पाएंगे, इतना अच्छी एकदम इंस्टेंटली बोल पा रही है, कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं तन्नू का है, गुनगुन का है, तो इनके एक्सपेक्टेशन पे हो। गुनगुन के बारे में कुछ, जल्द ही आएंगे, जैसे तन्नू के लिए आए हैं वैसे ही जल्द ही गुनगुन के लिए भी हम आएंगे, क्योंकि ये भी बहुत मेहनत कर रही है सर, इसका भी प्री में रॉ स्कोर फर्स्ट अटेम्प्ट में 150 है। 150 ये वाला सीएचएसएल? यस सर। 150 कितने लोग का स्कोर है इस पर सीएचएसएल में? हाथ उठाओ, 1, 2 and 4, इनका भी 150, तो बहुत अच्छा है।
हो चुका है, इनका इनके बाद गुनगुन का भी होगा, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे तो पूछने के लिए बहुत सारे कोर्स, बहुत सारा बातचीत हो सकता है, बस में आप लोग का मौका है। और अगर कोई एनीबडी एल्स कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे तो फिर जवाब दिया जा सकता है। कंसिस्टेंसी कहाँ पे आपका जैसे देखिए, सबसे पहले सुबह का जो टाइम होता है वो याद करने वाला होता है, तो सबसे पहले हम लोग याद करने जैसे इंग्लिश वगैरह वर्ड मीनिंग हो गया उससे शुरुआत करते हैं। फिर अगर आपको बोर हो गया तो थोड़ा मैथ सॉल्व कर लीजिए, मतलब पहले आप रात में रूटीन बना लीजिए कि कल हमको इतना टारगेट कंप्लीट करना है, थोड़ा थोड़ा ही कीजिए, लेकिन पहले लिख लीजिए रीजनिंग का मुझे इस चैप्टर का 50 क्वेश्चन सॉल्व करना है, मैथ का इस चैप्टर करना है। और सुबह होते ही आप लग जाइए, ब्रेक ले ले कीजिए, आपका हो जाएगा, पूरा रूटीन कंप्लीट हो जाएगा। और रात में चेक कर लीजिए एक बार कि क्या क्या कंप्लीट हुआ। पहला दिन हो सके कि अगर आप 5 चीज रूटीन में बनाए हैं तो 4 ही कंप्लीट हो, लेकिन नेक्स्ट डे से फिर कोशिश कीजिएगा 5 कंप्लीट करने का। सो ये काम अभी, लेकिन कंप्लीट करना ज्यादा जरूरी है उस चीज को, हम यही अपने लिए किए थे। और हाँ, तो आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए, अपना नींद में कम कीजिए। अभी नींद कम रहेगा वो चलेगा, बाद में तो आराम से नींद आप ले ही सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग का स्ट्रगल का टाइम है ना, तो नींद डेली का जो टारगेट है उसको कम्प्लीट करना ही होगा। अगर नहीं होता है तो कोई मतलब दूसरा उपाय, दूसरा विकल्प नहीं है, आपको करने ही पड़ेगा। हाँ, कोई ध्यान दीजिएगा, पढ़ने में थोड़ा सा स्लो है, कोई फास्ट है, किसी को टाइम ज्यादा लगेगा तो किसी को टाइम कम लगेगा, लेकिन करना तो पड़ेगा, नहीं कीजिएगा तो फिर बहुत दिक्कत है, ठीक है। और कोई गर्ल्स रंजू कुछ पूछने की चाहत हो रही है लेकिन पूछ नहीं पा रहे हैं क्वेश्चन, इनके साथ तो हम सेट भी लगाए सर। इंग्लिश मतलब इंग्लिश कैसे किए सर? जितना पढ़ा है वो डेली, पहले तो घर जाके नोट्स रिवीजन करते थे, फिर वर्ड मीनिंग्स वगैरह जितना सर होमवर्क देते थे टाइमली कंप्लीट करते थे, और फिर संडे का टेस्ट वगैरह, और फिर जितना भी सर इरर वगैरह लगवाए सारा लगाते थे। और अभी तक हम पीटी डेली एक क्विज लगाते ही है, जो सीरियल में आता है ना सर डेली, आज भी लगा के हैं डेली। मतलब तो ये चीज आप लोग को भी मैं बोलूंगा, जो तन्नु बोली मुझे याद नहीं रहता है सारी चीजें बोलने के लिए, मैं हमेशा सबको बोला कि आपके मोबाइल में टेस्ट बुक का या फिर जो ग्रेड अप का है उसका सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, और कम से कम घर पे एक डेली लगाइए सेक्शनल मॉक इंग्लिश का, 25-25 क्वेश्चन का डेली लगाना है, और उसका भी सॉल्यूशन देखना। और जब कहीं मन नहीं लगता है तो वन वर्ड का या सिनोनिम्स का या एंटोनिम का क्विज आता है 10 क्वेश्चन का 15 क्वेश्चन का, उसको भी करके जो मेहनत बहुत करती है इंग्लिश में, लेकिन उस रेशियो से इनका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, जिस कारण से थोड़ा सा पैनिक है। तो ज्यादा कुछ करना नहीं है इंग्लिश के साथ, आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना है। जैसे आप नॉन चैप्टर स्टार्ट की रिवीजन करना, उसके बाद संडे को आप उसका क्यूज लगा लीजिए, जितना भी इरर प्रैक्टिस होता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होता है, आजकल तो पीडीएफ सब जगह अच्छे खासे अवेलेबल है, आपको बस टाइम देना है, जो जो चीज जैसे होता है तो उसमें स्टार मार्क कर लीजिए, और जब दोबारा रिवीजन कीजिए तो सिर्फ उसी को कीजिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन बन जाता है उसको दोबारा बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो जो नहीं बन रहा है उसमें स्टार मार्क करते जाइए और दोबारा सिर्फ उस क्वेश्चन को बनाइए। थैंक यू। आई होप कि कुछ आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है, इस पर काम कीजिएगा, और अगर नहीं इम्प्रूवमेंट होगा तो बातचीत करेंगे, और जरूर अच्छा होगा। कोई उधर से भाई, कोई एनी क्वेश्चन, किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है? सुनो, आप कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ सजेशन देना चाहेंगे? आप तो ऐसे सिलेक्टेड नहीं है, लेकिन नर्वस फील नहीं कीजिए, आप अगर कुछ बातचीत कर सकते हैं तो कर सकते हैं कुछ भी, ठीक है। तो फिर से तन्नू के लिए एक बार क्लैपिंग करो। ठीक है, आप लोग मौक लगाइए, हम लोग बैठकर कुछ बातचीत करें। अच्छा, एक अपने तरफ से गुन्नू को, मेरे पास जो मेडल है, मैं प्रकाश तो मंगवाया नहीं, लेकिन मेरे पास यहाँ पे रखा होता है सील्ड मेडल, जो कि सिलेक्टेड स्टूडेंट को दिया जाता है, तो यहीं पे है रूम में ही, तो मैं चाहूंगा कि एक बार उसको फोटो में थोड़ा सा कैप्चर कर लिया जाए, कैद कर लिया जाए। अगर कोई के छोटे भाई बहन है, जैसे कि आप अपने बहन को भाई को होम ट्यूशन पढ़ाते हैं, और उसको मतलब पढ़ा रहे हैं, उनको कहीं दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं है, आपका भाई भी है जो 6 या 7 क्लास में पढ़ रहा है, बहन 12th में, उनको आप ही पढ़ा रहे हैं, तो अगर इनमें से किसी के छोटे भाई बहन है तो क्या उनके लिए एडवाइस होगा? आप अपने भाई बहन का कम से कम अगर पढ़ाने का टाइम नहीं है तो लेकिन गाइड कीजिए कि वो लोग सही रास्ते पे जा रहे हैं कि नहीं, मतलब टाइम टू टाइम पूछिए कि परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, वीकली देख लीजिए कि कैसा कर रहा है वो, अगर जनरल कंपटीशन में ही है तब तो अपने साथ भी पढ़ा सकते हैं।
ऐसा नहीं कि छोटा है तो अपने से मतलब थोड़ा उतना ध्यान नहीं देते, बाद में कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बहन कहीं भी कोचिंग नहीं जाती, सिर्फ पंकज सर के यहाँ इंग्लिश की है, बाकी सब हम ध्यान देते हैं टाइम टू टाइम, और ये अच्छा कर रही है सर। हाँ, एक बॉन्ड होना चाहिए। तो आप लोग भी अगर कोई है, आप लोग तो घर पे नहीं रहते हैं, एक घर पे रहती है तो इनका बड़ा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था। और लोग बोलते हैं कि घर पे रहने के बाद डिस्टर्बेंस होता है फैमिली के साथ, देखिए हमेशा फैमिली के साथ रहते हैं और एक अच्छा खासा इंजॉय भी कर लेती हैं, मस्ती भी कर लेते हैं, प्रत्येक सप्ताह में एक आध बार बर्थडे पार्टी भी सेलिब्रेट हो जाता है, लेकिन फिर भी चीजों को मेंटेन करके रखती है। इतना कुछ करने के बावजूद भी कभी भी क्लास तनु नहीं छोड़ी, ये सबसे बड़ा चीज है जो इनको और स्टूडेंट से अलग करता है। हमेशा मेरी बात को मानी, हमेशा पढ़ने का भूख रहा, जितना भी वर्ड मीनिंग दिए वर्ड मीनिंग होने करा। जब जब संडे का टेस्ट हुआ, संडे का टेस्ट में इन्होंने अपियर हुआ, इवन गुन्नू भी और तन्नु भी, ठीक है, हमेशा से टेस्ट में इन्होंने अपियर हुआ, एक भी क्लास को इन्होंने स्किप नहीं किया। तो बस आप में भी यही क्वालिटी मैं चाहता हूँ कि आप में भी ये क्वालिटी आ जाए, रेगुलर क्लास आइए, हमेशा मेरे से कॉन्टेक्ट में रहिए, बिना पूछे आप क्लास नहीं छोड़िए, जब जब टेस्ट दिया जाता है टेस्ट में अपियर होइए, और थोड़ा सा सिंसियर बनिए यार, हो जाएगा। और माता श्री आई है तो हम तो कुछ अरेंज नहीं करवा पाए, लेकिन हम थोड़ा सा सॉल अंग वस्त्र देकर इनको सम्मानित करना चाहेंगे। प्लीज जोरदार तालियां बजाते हैं। मैं चाहता हूँ हम किसी के भी घर जाते हैं, ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ, कसम से किसी के भी मैं घर जाता हूँ, खास करके गांव में भी मैं जाता हूँ, तो मैं प्रयास करता हूँ कि आप लोग के माता पिता से हम जरूर एक बार, ये मेरा शौक रहता है, हमेशा से किसी के भी घर जाते हैं। तो आपको भी चाहिए डियर, देखिए एक बार बात है, जब मेरे यहाँ स्किल टेस्ट हुआ था वो सारी चीजें, खास करके हम वहाँ नहीं जाना चाहेंगे, बहुत टाइम लग रहा है। एक माता पिता का रिस्पेक्ट ही आपके लिए मोटिवेशन होना चाहिए, माता पिता का उम्मीद ही आपके लिए इंस्पिरेशन होना चाहिए, और माता पिता को बाद में चल के सम्मान मिले यही आपके लिए इंस्पिरेशन होना चाहिए। इससे बड़ा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन क्या चाहते हैं आप? वीडियो तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेकिन कुछ ऐसा कीजिए कि आपके कारण माता पिता का नाम रोशन हो, आपके कारण लोग माता पिता को जाने। शायद आज तन्नु का रिजल्ट नहीं होता तो शायद हम माता श्री से नहीं मिल पाते, इनको नहीं जान पाते कौन है नहीं है। ठीक है, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, इन्होंने बताया मेरा जॉब नहीं लगा, ख्वाहिश थी, गांव में थे, हम कुछ कर नहीं पाए, करने की चाह था, मेरी मम्मा अनपढ़ है, नहीं पढ़ना लिखना जानती है, अनएजुकेटेड है, लेकिन आज मेरी माँ को सारे लोग सम्मान करते हैं, सारे लोग जानते हैं वो मेरी वजह से। ठीक है, आज मेरी माँ को बहुत खुश है, बहुत खुश। आज देखिएगा इनसे मिले हैं हम, मुझे कितना अच्छा लग रहा है। शायद आज तन्नू का जॉब नहीं होता, गुन्नू पढ़ने में इतनी अच्छी नहीं होती, तो हमारे पास उतना टाइम नहीं था, आप लोग के पास इतना टाइम नहीं था, किसी को आप इतना ध्यान से सुने और इतना अच्छा से फॉलो करें। तो ये आप लोग के लिए मोटिवेशन होना चाहिए कि प्लीज आप लोग भी, हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग भी अपने माता पिता का ऐसा एक दिन सम्मान दिलाइए, और जी तोड़ मेहनत कीजिए, छह महीना और एक साल का मेहनत आपको कहीं भी लेके जा सकता है। ठीक है, मेरे बातों को, हम लोग के बातों को ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू सो मच। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती।